में ले सकते हो, और आपको किसी जेप्पे या इग्नो कर किसी एक्सचेंज के ऊपर भरोसा करना नहीं पड़ेगा कि वो उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप अपने बिटकॉइन को डॉलर में कन्वर्ट करके पेपाल के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। बहुत ईजी है, बस मैंने कल बस दो बार विड्रॉ किया, वो भी हो गया। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये रहा हमारा वेबसाइट, आप देख सकते हो उसका वेबसाइट का जो नाम है यह है hiribi.com, HiRibi.com। या आप इस वेबसाइट पे जाना, जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ रजिस्टर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारा प्लस पॉइंट है एंड बहुत सारा अच्छा पॉइंट है। देखो यहाँ पे लिखा होगा कि वी बाय योर BTC फॉर 7731 डॉलर में, जबकि हमारा अभी रेट चल रहा है 6903 डॉलर चल रहा है। बिटकॉइन का रेट जो चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट चल रहा है 6903 डॉलर चल रहा है। लेकिन ये हमको, ये जो हिरी भी है, ये हमको 1 डॉलर के आसपास, सॉरी 1000 डॉलर के ऊपर रेट में हमको ये हमसे बाई कर रहा है। मतलब हम ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 6900 चला है तो आपको 7731 में आपसे बाई करेगा बिटकॉइन ये कंपनी। तो आप सबके मन में सवाल होगा कि कंपनी कैसे बाई कर रहा है इतना हाई रेट में। तो ये कंपनी जो वेबसाइट है, इसको मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सेल किया, ट्राई किया, थोड़ा कम 10 डॉलर का ट्राई किया कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आराम से हो गया। उसके बाद मैंने 100 डॉलर का भी ट्राई किया, वो भी हो गया। बस कल मैंने, 2 दिन पहले मैंने किया है। जैसे कि ये कंपनी इतना वो मतलब हाई रेट में दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि उसका बहुत मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एंड ये मार्केट में ट्रेडिंग करता है। एंड बहुत ही मुझे जेन्यून लगा एंड बहुत मतलब आई थिंक 1 ईयर हो गया ये चल रहा है, इसको वेबसाइट चल रहा है। मैंने बाकी यूट्यूब पर चेक किया है इसके बारे में, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपका उसका प्रोसीडर आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, कितना ट्राई करना है, आपको मिलता है कि नहीं, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। एंड इस वीडियो के बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा, उसमें आपको प्रूफ के साथ विड्रॉ करके दिखाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी BTC नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले विड्रॉ कर चुका हूँ मेरा BTC, इसलिए मैं आपको सोन अभी दिखा नहीं सकते कि कैसे विड्रॉ होता है। जब नेक्स्ट में 2-4 दिन में अगर मैं विड्रॉ करूँगा तो आपको लाइव आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे विड्रॉ हो रहा है, एंड बहुत ही ईजीली एंड बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो पहले ये है आपका सरफेस है, जो वेबसाइट है। आपको अगर यहाँ पर सेल करना है तो आपको ये रेट, जो रेट है, इसी रेट में कंपनी आपको बाय करेगा। तो आपको अगर सोच लो कि आपको, अगर आपको भरोसा नहीं है नया वेबसाइट है, क्या स्काम करेगा, क्योंकि हर किसी के माइंड में ये डाउट होता है कि ये सेफ है या स्काम करेगा, इस ये सवाल हमेशा सबके मन में उठता है। तो मेरे मन में भी उठता था, तो मैंने बस ट्राई किया। तो मैंने क्या किया, जैसे कि हम किसी भी एक्सचेंज, चाहे बिटरेक्स हो या चाहे क्रिप्टोपिया पोलोनिक, किसी भी एक्सचेंज अगर हम विड्रॉ करते हैं तो हमको मिनिमम 0 पॉइंट, मतलब 0.001 का इतना बस विड्रॉ का चार्ज लग जाता है। तो बस आप इतना ही यहाँ पे लाके टेस्ट कर सकते हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने, हाँ, परसों मैंने बस 0.00015, ठीक है, बस इतना डॉलर मैंने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखा होगा योर यू पे BTC, आपको आपको इतना BTC भेजना पड़ेगा ना, तो आपको एग्जैक्ट 0.0015 भेजना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे अगर आपको इतना सेल करना है बस टेस्टिंग के लिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि आप बड़ा अमाउंट का सेल करो 1000 डॉलर या उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप पहले आप ट्राई करो ये वेबसाइट जेन्यून है कि नहीं, उसके बाद ही आप करना, क्योंकि मार्केट अभी फुल रिस्की है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सब किसी के प्रॉब्लम में पड़े या किसी का लॉस हो, ठीक है। तो इसीलिए आप ट्राई कर सकते हो कि आपको हो रहा है नहीं है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ट्राई किया, बड़े आराम से हो गया एंड बहुत दिन से दे भी रहा है। तो अभी बेस्ट टाइम है, अगर आपको थोड़ा निकालना है तो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे भी हमारा चार्जेस निकल जाता है, इतना चार्जेस निकल जाता है निकलने के किसी एक्सचेंज है, तो आप इतना ट्राई कर सकते हो ना, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो आप 0.0015 यहाँ पर एंट्री करना, तो आपको ये कंपनी आपको 11.6 डॉलर देगा, ठीक है ना। तो आप ये डॉलर आपका पेपाल में आएगा, और सबसे जरूरी बात मैं भूल गया बोलने के लिए, आपके पास पेपाल अकाउंट होना चाहिए। ये पेपाल है ना, आपको पास पेपाल का अकाउंट होना चाहिए। आप पेपाल में अकाउंट बना के आपका जो बैंक अकाउंट एंड आपका जो डेबिट कार्ड को वहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, वो बहुत ईजी, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन पेपाल एंड हाउ टू लिंक योर बैंक अकाउंट एंड डेबिट कार्ड इन पेपाल। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू क्रिएट ए पेपाल अकाउंट, वैसे ही कर लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप लिंक करने के बाद अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको इतना अमाउंट डालना होगा, उसके बाद इतना आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका जो पेपाल का ईमेल आईडी होगा आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे, जैसे कि मेरा जो ईमेल आईडी मैं एंट्री कर दूँगा,
एंटर कर दूंगा मेरा ईमेल आईडी, जो मेरा पेपाल का ईमेल आईडी होगा। फिर मैं यहाँ पे ठीक है, फिर मैं यहाँ पे सेल का आपको ट्राई दिखा देता हूँ, ठीक है करके। वैसे क्लिक करोगे ना तो आपके लिए आया कि आपको 0.0015 BTC देना पड़ेगा, इस रेट में कंपनी आपको बाय कर रहा है, ये आपका पेपाल ईमेल आईडी है, ठीक है। तो मुझे इतना मेरा पेपाल अकाउंट आपको तुरंत ही, जैसे थ्री कंफर्मेशन हो जाएगा ना, आपको तुरंत ही मिल जाएगा, आपके पेपाल अकाउंट में मिल जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली पेपाल टू बैंक ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाता है, वो भी आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली इतना अमाउंट, ये जो एड्रेस है ना, प्लीज़ सेंड एग्जैक्टली 0.0015 BTC इन दिस एड्रेस। तो आपको ये एड्रेस को कॉपी करना पड़ेगा, जो एड्रेस होगा कॉपी एग्जैक्टली इसको कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद इस इतना ही अमाउंट, एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट आपको इस एड्रेस में भेजना पड़ेगा, ठीक है। जब भेजोगे ना तो उसके बाद आप तो भेजोगे, उसके बाद आप जब तक थ्री कन्फर्मेशन पूरा नहीं हो जाता ना, तो आपका ट्रांजेक्शन मतलब आप यहाँ पे आपका पेपाल में आ जाएगा, ठीक है। जब आप पेमेंट भेज दोगे ना, तो तुरंत ही आपको जो ये जो ईमेल आईडी है ना, पेपाल का जो ईमेल आईडी दिया ना, इसी ईमेल यहाँ पे एक ईमेल आएगा, उस ईमेल में आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा, एक ब्लॉकचेन का मिलेगा एंड एक वेबसाइट का मिलेगा। आप यहाँ पे वेबसाइट का ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे जो लिखा है ना, ट्रांजेक्शन आईडी डाल के आप चेक कर सकते हैं कितना कन्फर्मेशन हुआ, कितना टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पर डाल देना, ये मैक्सिमम 4-5 घंटा लगता है। अगर आप सुबह करोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर आप 8 से 10 बजे के अंदर करोगे या आपका 2-3 बजे तक आपका मतलब हो जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है तो आपका पेपाल में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको करना यही है, आप बस आपका जो ये पेपाल ईमेल आईडी है, उसी ईमेल आईडी आपको मेल जाएगा, उस मेल में आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा, आप यहाँ पर डाल के भी चेक कर सकते हो कि आपका आया कि नहीं। यार मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास मेल भी आया था, इसके ऊपर वेट करिए। मेरा ऑटोमेटिक मेरे बैंक में उड्रॉल हो गया, 656 रुपया हो गया, उड्रॉल हो गया, जिससे कि मैंने कल $112 उड्रॉल किया था, वो भी डॉलर में आ गया, और मैं उसको आज उड्रॉल कर दिया, 11 तारीख आज है ना, आज उड्रॉल कर दिया, और मेरे बैंक में कल परसों तक आ जाएगा, क्योंकि पेपाल से बैंक में आने के लिए 3-4 डेज लगता है आने के लिए, तो वो कल परसों तक आ जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में। तो ऐसे ही जब आपका यहाँ पे आप बिटकॉइन उस एड्रेस में भेज दोगे, उसके बाद आपको एक तुरंत ही आपको एक ईमेल आ जाएगा 5 मिनट के अंदर, जब आपका ईमेल आईडी दिए होंगे पेपाल का, वहाँ पर चेक करना, आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक पेस्ट करके आपको चेक कर सकते हो उसका जो कितना कन्फर्मेशन हुआ वगैरह। जब आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा पूरा, फिर आपको पेपाल में शो कर देगा, फिर आप यहाँ पर ऑटो विड्रॉल होगा एक रात के बाद, आप डायरेक्टली यहाँ पर विड्रॉ मनी पे क्लिक करके विड्रॉ भी कर सकते हो, ऑटो मतलब आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। मैंने